दोस्तों, जैसे कि मुंबई इंडियंस और केकेआर का मैच खेला जा रहा है, केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है और जिसमें से 100 रन से वेंकटेश अय्यर ने मारे हैं। अब वेंकटेश अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने शतक जमाया है, और पहले थे ब्रेंडन मैककुलम जिन्होंने पहले ही सीजन में ही शतक जमाया था। 15 साल लग गए कोलकाता के किसी बल्लेबाज को शतक लगाने में, लेकिन वेंकटेश अय्यर की पारी बहुत ही ज्यादा खास रही। उन्होंने अपनी पारी में 9 छक्के मारे और जैसे ही वो आए थे तो स्टार्टिंग से ही उनके फुटवर्क और जैसे भी टाइमिंग थी सब लाजवाब था। ऐसा लग रहा था कि वो ड्रेसिंग रूम से ही सेट हो गया है। आज का मैच रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे इसलिए सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे थे, लेकिन आज मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे तो ओपनिंग कौन करेगा, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर में रोहित शर्मा का नाम है। अगर देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो रोहित शर्मा भी आ सकते हैं बैटिंग करने। लेकिन दोस्तों, आज के इस इनिंग में कोलकाता नाइट राइडर्स के वेंकटेश अय्यर हीरो रहे और पूरे मैच में वही छाए रहे, और वो पहले इंडियन है जो इस आईपीएल के सीजन में शतक जमाया है। इससे पहले हैरी ब्रुक ने अब एक दो मैच पहले शतक जमाया था, लेकिन वेंकटेश अय्यर की पारी बहुत ही ज़्यादा खास थी क्योंकि ये ऐसे पिच है वानखेड़े की बिल्कुल अलग है, जैसे हमेशा होती है ना बैटिंग पिच, वो नहीं है, बॉल यहाँ रुक के आ रही थी। और इसके बाद भी वेंकटेश अय्यर की ये इनिंग बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो ये इनिंग उनके आईपीएल के करियर की बेस्ट इनिंग है। आईपीएल ही छोड़े, पूरे जितना भी उनका इंटरनेशनल डोमेस्टिक करियर, जब से क्रिकेट खेल रहे ना, ये इनिंग उनकी बेस्ट है। दोस्तों, आपको वेंकटेश अय्यर की ये इनिंग कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।